सूरह अल अनफाल में, अल अनफाल सूरह नंबर 8 है, 8 और वर्स नंबर 24 फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दुआकुम लिमा युहयीकुम। ईमान वालों, जब तुम्हें रसूल पुकारें, अल्लाह पुकारे या अल्लाह का रसूल बुलाए, तो जिस हाल में जो कुछ कर रहे हो, हत्ता के हदीस पाक के साथ तफसीर कर लें तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, तो रसूल पाक बुला लें तो नमाज भी छोड़ के हुजूर के पास चले जाया करो, बुलाएं लब्बैक करके जाओ। क्यों? लिमा युहयीकुम, कि जब रसूल बुलाता है तुम्हें तो वो उस चीज़ की तरफ बुलाता है जो चीज़ तुम्हें ज़िंदगी देगी। अब जिंदगी तो है, तभी तो नमाज पढ़ रहे थे वो सहाबी, जिंदगी तो है तभी तो उनको बुलाया जा रहा है ना, मुर्दे को तो कोई नहीं बुलाता, तो जिंदा तो है। तो ये बता रहा हूं कि फिजिकल लाइफ है, मगर फिजिकल लाइफ के बावजूद दे स्टिल नीड सम अदर काइंड ऑफ लाइफ, उनको एक और जिंदगी की जरूरत है विच दे डोंट पोजेस। तो फरमाया, जब अल्लाह के रसूल तुम्हें बुलाते हैं जस्ट जाओ, क्योंकि वो तुम्हें जिस तरफ बुलाएंगे उससे तुम्हें हयात मिलेगी, जिंदगी मिलेगी। इन तमाम आयात से एक बात साबित हो गई कि फिजिकल लाइफ के बावजूद स्पिरिचुअल डेथ होती है, हार्ट डेड होता है, और फिर अल्लाह पाक अपने नूर के जरिए जिंदगी अता करता है। अब ये जो बात है कि जिंदा होकर भी मुर्दा होते हैं, अब इसको थोड़ा उल्ट कर लें, अक्स इस माने का इतलाक होगा, तो जिस तरह कई लोग जिंदा होकर भी मुर्दा होते हैं, कुरान से साबित हो गया ना, इस तरह इसको मफहूम मुखालिफ कहते हैं, मफहूम मुखालिफ से साबित हुआ। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो वफात पाकर भी जिंदा रहते हैं, वो डेथ के बाद भी जिंदा रहते हैं। क्यों? ये जो फिजिकल लाइफ और फिजिकल डेथ है, ये स्पिरिचुअल लाइफ और डेथ पर कोई इंपैक्ट नहीं रखती। जिस तरह जिस्म की जाहिरी जिंदगी के बावजूद दिल मुर्दा है, रूहानी मौत है, इस तरह जिस्मानी मौत हो जाने से भी उसकी रूहानी हयात पर फर्क नहीं पड़ेगा। खा वो जमीन पर चल फिर रहा हो बंदा, चलता हो तब भी मुर्दा है, खा कब्र में लेटा हो तो ऐसा अल्लाह का बंदा है तब जिंदा है। तो ये जो मौत और हयात जिसका जिक्र इन आयात करीमा में हो रहा है, वो रूहानी मौत और हयात है। यहां तक मैंने इतना नुक्ता समझाया, ये ज़हन नशीन हो गई बात। अब यहां एक उरफा की एक बात है बड़ी प्यारी, औलिया और आरिफीन कहते हैं, जब ये बात आप समझ गए, वो कहते हैं, फमन मातत नफ्सहू बउदत अनहु दुनियाहू व मम मात कल्बहू बउद अनहु मौलाहू। जिसका जिस्म मर जाए, जिस शख्स का जिस्म मर जाए, यानी बॉडीली डेथ हो जाए, जिस्म मर जाए, दुनिया उससे दूर हो जाती। क्या? बउदत अनहु दुनियाहू, उसकी सारी दुनिया, यानी आप कब्र में डाल आते हैं ना, तो बेटे भी दूर हो जाते हैं, बीवी बच्चे भी दूर हो जाते हैं, शौहर भी दूर हो जाते हैं, अज़ीज़ अक़ारिब दूर हो जाते हैं, प्यारे दूर हो जाते हैं, अपने पराए सारी दुनिया। जिसका जिस्म मर जाए, बड़ा करीबी से करीबी भी उससे दूर हो जाता, दुनिया दूर हो जाती। और फरमाया, वह मन मात कल्बहू बउद अनहु मौलाहू, और इसके बरक्स जिसका दिल मर जाए उसका मौला उससे दूर हो जाता है। जिस्म की मौत वाकई हो जाए, जिस्मानी मौत, तो कौन दूर हो जाता है? सारी दुनिया। क्या? फरमाया, दुनिया दूर हो जाती है जिस्मानी मौत पर, और अगर रूहानी मौत हो जाए, दिल मर जाए, तो अल्लाह दूर हो जाए। ये जो, और दिल जिंदा हो जाए तो अल्लाह करीब हो जाता है। ये जो दिल की हयात है, क्या दिल की जिंदगी है, इसको मारिफत कहते हैं। मारिफत का मजमून मैं बयान करना चाहता था, तो ये उसकी तमहीद की कि मारिफत कैसे। तो दिल का जिंदा हो जाना, और जिंदा किस तरह हो जाना,
कि जिंदा करने वाले के साथ जब दिल जुड़ जाए, किसके साथ? जो जिंदा करने वाला है, मोही वो अल्लाह है। तो जिंदा करने वाले के साथ जो चीज जुड़ जाए वो जिंदा हो जाती है। देखिए, आप हर रोज देखते हैं हॉस्पिटल्स में, इस अमर का मुशाहदा करते हैं कि एक आदमी बिल्कुल करीब मर गए तो उसको ऑक्सीजन पे और मशीन पे लगा देते हैं जो सारी आर्टिफिशियल लाइफ चलाती है। आपने देखा है ना कभी हॉस्पिटल्स में मशीनें लगा देते हैं, उसके हार्ट को भी वो चला रही हैं, उसके लंग्स को भी चला रही हैं, ब्रेन को भी चला रही हैं, सारी लाइफ मशीनों पर चली जाती और 10 दिन 15 दिन महीना चलाए रखते हैं। जब तंग आ जाते हैं और सारी मेडिसिन दे देकर मरीज जब जिंदा या शिफायाब नहीं होता तो पेशेंट के लवाहकीन से बुला के पूछते हैं कि आप बताओ मशीनें हटा दें या रखें और कब तक इस पेशेंट को मशीनों पर रखना है। ये बात समझ आ गई? करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? जिसने ये जिंदगी में कभी देखा या सुना है वो हाथ खड़ा करे। ये तो मारूफ चीज है ना। वो पूछते हैं कब तक रखना है मशीनों पर, हमें आप बताएं। तो वो फिर मशीनें अगर हम हटा देंगे तो बाज़ुकात वो एक्चुअली बता देते हैं कि इसकी डेथ हो गई हुई है, अब मशीनों के साथ आर्टिफिशियली जिंदगी दे रखी है। तो मशीनें जब लग जाती हैं, जुड़ जाता है, तो जितना अरसा चले मशीन की ताकत इतनी है, महीना जिंदा रख लेगी, दो महीने रख लेगी, तो वो उसको जिंदा रखते हैं। दौरान खून, खून का दौरान रहता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसी से जिंदगी रहती है, सो कॉल्ड लाइफ है। और जब मशीन से हट जाए, मशीन को जब हटा दिया उस जिस्म से, तो मौत वाकई हो गई। अब मशीन को हटा दें, मशीन को एक तरफ कर दें, वो बंदा है और उसको अल्लाह से जोड़ दें, तो जब अल्लाह से जो बंदा जुड़ जाता है उसका दिल जिंदा हो जाता है। तो अल्लाह के साथ जुड़ने से दिल जिंदा रहता है। और जब जैसे मशीन हटा दी तो मौत हो गई, तो जो दिल अल्लाह से हट गया वो मुर्दा हो जाता है। तो हमारी दिल की जिंदगी और मौत का सारा इनसार इसी राज, उसका राज यह है कि अगर दिल अल्लाह से जुड़ा रहा तो जिंदा हुआ, और अल्लाह से कट गया तो मुर्दा हो गया। तो ये जो हकीकत मारिफत है, मारिफत की हकीकत यही है कि अल्लाह के साथ जुड़ने से जिस दिल को जिंदगी मिल जाए उस दिल की जिंदगी को मारिफत कहते हैं। आपके जहनों में कई बार सवाल उठे होंगे, मारिफत का लफ्ज बड़ा सुना होगा हैं और तज़करा सुनते होंगे, मगर सवाल कई बार उठा होगा कि मारिफत होती क्या है और कैसे होती है। ये सवाल आता है कि नहीं ज़हन में? अब आपको आज ये मालूम हो गया कि मारिफत अल्लाह के साथ दिल के जुड़ने की वजह से जो हयात कल्बी नसीब होती है, जो दिल जिंदा हो जाता है, उस हयात कल्ब का नाम मारिफत है। और हयात कल्ब यानी दिल की जिंदगी का नाम मारिफत, मतलब यह कि जो जिंदा होता है फिर उसको नजर भी आता है जिंदगी की अलामात क्या है। दूसरा प्रॉब्लम नाबीना होने का ना हो, ब्लाइंडनेस का, तो जिंदा होता है तो ही कैन सी बिकॉज ही इज अलाइव, ही कैन हियर, ही कैन स्पीक, ही कैन टच, ही कैन स्मेल, ही कैन फील। तो जिंदा होने का मतलब यह है कि वो देखता है, वो सुनता है बस। और जो मुर्दा है वो बोलिए देखता और सुनता नहीं है। इसलिए बंदा जब आरिफ हो जाता है यानी उसका दिल जिंदा हो जाता है तो वो चीजें देखता है जो मुर्दा दिल लोग नहीं देखते। और जिसका दिल जिंदा हो जाता है तो वो बातें, वो चीजें सुनता है जो मुर्दा दिल नहीं सुनते, वो चीजें फील करता है जो मुर्दा दिल फील नहीं करते। इसलिए वो बाज़ औक़ात ऐसी बातें करते हैं जो लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि वो लोगों को ना सुनाई दे रही हैं, ना दिखाई दे रही हैं, ना वो स्मेल कर रहे हैं, ना फील कर रहे हैं, क्योंकि वो जिंदा नहीं है। तो मुर्दे और जिंदा का फर्क है ना जी। अब एक मुर्दे को अगर बोलने की तौफीक अल्लाह दे दे या सुनने की तौफीक दे दे तो साथ एक जिंदा बैठा हो कहे वाह कितना खूबसूरत मंजर है, मुर्दा कहेगा कौन सा मंजर, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। वो कहेगा तुम मुर्दा, आंख नहीं है तो नजर कहां से आए। वो कहेगा क्या खूबसूरत आवाज है, कोई हूर अलहूरुल ईन कोई नगमा गा रही है जन्नत का।
क्या खूबसूरत नगमा है। वो कहेगा कौन सा नगमा, मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। कहेगा तुम मुर्दा हो, तुम्हारे तो कान ही नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। क्या खूबसूरत जन्नत के फूलों की खुशबू आ रही है। वो कहेगी कौन सी खुशबू, तुम स्मेल ही नहीं कर सकते भाई, तुम मुर्दा हो। तो मुर्दा जो है उसमें सेंसेस ही नहीं है, तो वो बेचारा क्या बोलेगा। यही हालत एक आरिफ की, मुर्दों में जब वो जिंदा रहता चलता फिरता तो उसकी यही अजनबियत होती। मुर्दों को कुछ नजर नहीं आता, उसको नजर आता है। मुर्दों को सुनाई नहीं देता, उसे सुनाई देता है। मुर्दों को समझ नहीं आता, उसे समझ आता है। तो जो बातें वो करता है वो मुर्दों की समझ में नहीं आती, चूंकि वो दिल के मुर्दा हैं। ये मारिफत है, इसको मारिफत कहते हैं कि वो उसे मारिफत हो गई, जिसका दिल जिंदा हो गया वो मारिफत हो गई।